सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब, क्या हो, व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ऋत्विक हेयर एंड आज का वीडियो इज ऑल अबाउट छोटा सा होम टूर है मेरे घर का जो है चंडीगढ़ में जी। रिसेंटली आई बॉट ए हाउस हेयर एंड उसको बिल्डर से लेने के बाद उसको मैंने पूरा 110% उसको तोड़ के उसको वापस रेनोवेट किया इन आर वे कि हम उसको कैसे चाहते थे। हम शुरू करते हैं यहाँ से। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द हाउस और ये कुछ हमने ऐसे जंगली जानवर यहाँ पे इस वॉल पे बनाए हैं। दिस एंट्रेंस एंड रिटर्न माई लास्ट नेम इज़ देयर, दैट्स द हाउस नंबर। एंड नीचे ही आते कुछ प्लांट्स ने लगाए हैं, हमने शो रैक बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा शूज़ यहाँ पे रखे हैं। ऊपर हमारा गणेश जी का स्वास्तिक, अंदर एंटर करेंगे। दिस इज द डबल लॉक एंड दिस इज देयर वी गो गाइस, वेलकम टू माय हाउस। अंदर एंटर करते ही दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स जी, छोटा सा घर। ये हमारा यहाँ पे वुडन लेडी बेसिकली फैशन करते हुए ये है यहाँ पे जी। और दिस इज जी बुधा एंड मोमेंट वी एंटर, स्टार्टिंग में हमने काउच रख दिया और थोड़े से हमने भगवान जी को यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद दैट्स आर फोटो वॉल। इस घर में जितना भी वुड यूज़ हुआ है वो सारा शीशम है, ठीक है जी। ये सोफ़ा हमने खुद यहाँ पे कस्टमाइज़ किया, ये बना है एक्चुअली अंबाला में। इसका जितना भी जो क्लॉथ है, इस क्लॉथ इज़ बाय डी डेकोर, ऑल शीशम वुड का टेबल है जी ये, बिल्कुल आप देखिए इसको। दिस इज़ डिज़ाइंड इन अ वे राजस्थानी महाराजा एंड सेम गोज टू दिस। दिस इज़ टीवी यूनिट डिज़ाइंड एज द सेम जो हमारा टेबल है। नेक्स्ट टू लिविंग रूम वी हैव हेयर डाइनिंग पार्ट, अगेन मेड हेयर, कस्टमाइज किया है हमने। इस पूरा शीशम, पूरा का पूरा शीशम है ये एंड दिस इज वन पीस। ये हमें आया है जी सहारनपुर से कच्चा लकड़ आया था और अंबाला में इसकी प्रॉपर जो इसकी बनाई है वो हुई है और उसके बाद ये यहाँ पहुँचा। ये डाइनिंग के नेक्स्ट हमने थोड़ा सा, दिस इज़ द क्रॉकरी यूनिट जो आप देख सकते हैं, हमारी फैमिली पिक्चर। दैट इज़ मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि पापा मामा ने जब शादी की थी तो दे ऐसे दिखते थे और जब हमने शादी की थी तो हम दोनों ऐसे दिखते थे एंड दिस इज़ आवर फैमिली। जैसे हम एंट्री करते हैं फ्रंट वॉल में नेक्स्ट टू द किचन आई हैव दिस, हमारे गणेश जी ये हमें यहाँ से दिखते हैं पूरा एंट्रेंस से। जय हो गणेश जी, वक्तन महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्द्रम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेयर, लुक एट दिस, दिस इज माय बार। बनने में टाइम लगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वाइन रैक्स है इसको टाइम लगा बनने के लिए, बट दीज आर ऑल माई वाइन कलेक्शन हेयर। स्पिरिट्स विच सेज everything, try with vodka, Jagermeister shots, Baileys, Bacardi, rum, tequila, rum, cognac, and upar jaate jaate hum aapko dikhenge single malts, scotches, blended. Living room, entrance, dining, bar area. So now let's go to the kitchen. Enter karte hi you'll see our photo frame. So this is Nancy, jab bachpan mein thi choti si. This is hamara baby aur ek chhota hi hai bechara, and this is me. लेफ्ट साइड में हमारा एल शेप का काउंटर स्टार्ट हो जाता है। वी आर बी कीपिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर राइट नाउ, कंट्री बुलेट, फ्राई एयर फ्रायर, शुगर, कॉफ़ी इधर है एंड दिस इज इनबिल्ट हॉब एंड
कंपनी मेड बाय कैरोसेल राइजू। उसके बाद मूविंग ऑन है, यहाँ पे आता है जी हमारा पोटैटोज एंड अनियंस का ये सब कुछ, और ये बेबी का स्टेलाइजर इज पेंट्री। मोमेंट वी ओपन इट आपकी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, अदरवाइज जब इसको बंद करते हैं तो ये दिस इज द स्विच लाइट वाला, बंद करेंगे सी लुक एट दिस, लाइट बंद हो जाएगी, हो गया ना बंद, दैट्स इट गो, हियर वी गो। एंड उसके बाद जी दिस इज ये हमारी विंडो रखी है हमने, इट्स ऑल अ टफन टफन, दिस इज टू वेज, डबल वे है ये टफन एंड जाली और टफन दोनों। दिस इज नॉट ये कोई मार्बल और ग्रेनाइट नहीं है, इट्स क्वार्ट्ज़, इसको क्वार्ट्ज़ कहते हैं, रात में ऐसे ही शाइन करता है, स्टार लाइक स्टार्स लाइक स्टार 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 स्टार्स। सो ये आप देखेंगे प्रॉपरली, ये जब रात में लाइट जलती है ये प्रॉपरली जग जग मंगाता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्वार्ट्ज़ यू कैन फाइंड आउट एवरीवेयर, आज के टाइम में क्वार्ट्ज़ ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे जितना भी ये सब है दिस ऑल डन बाय हैफले, ऑयल तो नहीं है लेकिन हमने इसमें शहद रख दिया है, ठीक है। दिस इज़ ट्रॉली फॉर आटा एंड ऑल। बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज देखिए यहाँ पे जो ये टैप्स हैं, बोथ द टैप्स आर कनेक्टेड विद द गीजर जो बाथरूम है इसके बैक साइड में है, ताकि यहाँ पे गर्म पानी आता रहे, ठीक है। और ये छोटा सा मिनी सा देख रहे हो ना प्यारा सा, दिस इज आरओ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आरओ तो मुझे दिख नहीं रहा, कहीं आरओ कहाँ है, आरओ भाई साहब हमने सब नीचे, आरओ हमारा यहाँ पे है, ये नीचे आरओ रखा है, दिस इज द आरओ। एंड अपना आप वाटर लिफ्ट करता है, वी गो द वॉशिंग मशीन, वी हैव अ वॉशिंग मशीन हियर, एंड दिस इज अगेन हीटेड पावर स्टीम वॉशिंग मशीन। देन जी हियर वी गो द मोस्ट द बेस्ट थिंग आई लाइक मेरे किचन में इज दिस बॉश का जायंट फ्रिज। पूरा किचन में देख रहे हो ना दिस ग्रे थिंग, दिस इज नॉट कोई आपका सनमाइका नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इज एक्रेलिक शीट, राइट। ये हमारा अगेन डन बाय हैफले। ये चलते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ कैरोसिल की चिमनी, दिस इज मिरेकल 90 mm, सो 3 फुट की होंगे, आपको मैंने ये नहीं दिखाया, दिस इज अगेन हैफले डन बाय हैफले। दीज आर टफन ग्लासेस एंड ये हमने सब रखा है ग्लासेस के लिए। एंड किचन में ना दिस लुक्स वेरी नाइस, मैंने बड़ा प्यार से बड़ा प्रॉपरली इसको सोच समझ के बनाया कि जो फर्स्ट टू हमारे जो शेल्फ्स रहेगी या कुछ भी किचन में एंट्रेंस में रहेगा इट शेड ब्लैक, तो मैंने इसको ना सारा ब्लैक किया है। आप अगर देखेंगे ये दिस इज ब्लैक, इफ यू लुक एट दिस माई नीचे फ्लोर इज ब्लैक। वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट हेयर, आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, बट दिस इज एग्जैक्टली माई किचन लुक्स लाइक। अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ से, दैट्स हाउ दिस लुक लाइक, पेंट्री किचन नैन्सी मी एंड ऑरिक, दैट इज हाउ दिस इज। हो गणेश जी, वन रूम टू रूम एंड देयर यू गो। इसका जो नाइट विजन है ना, जो रात में जो लगता है लाइट लगा के, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस प्रॉपरली सब पैकिंग चल रही है, सो ये रूम बहुत ही मैसी है राइट नाउ, प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट, बट स्टिल टू शो यू मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज वॉशरूम लाइट। ओके सो दे वी गो जी, दिस इज द पाउडर रूम। ओके जब हमने इसको बिल्डर से लिया था इट वॉज लाइक अ बाथरूम, तो इसमें बेथिंग एरिया भी था, बट नाउ वी टर्न दिस टू द पाउडर रूम, कीपिंग यू नो हाइजीन इन द माइंड। सो हम कोई टावल यूज नहीं कर रहे, दिस इज अ पेपर टावल। And the best thing is he had G, yeah.
रूम इज ऑल पीछे मार्बल वाइट एंड इसकी जो स्ट्रिपिंग हुई है दैट इज रोज गोल्ड स्ट्रिप, दिस इज रोज गोल्ड स्ट्रिप, ठीक है, पत्थर के बीच में लगाया हुआ है, मार्बल के बीच में, एंड इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस, इजी टू क्लीन आई मीन टू से। एंड जो इस साइड है ये हमारी कवर्ड्स हैं, इट्स ऑल आर ग्लास, पूरा ग्लास है ये, एंड अगेन डन बाय हैफले राइट, एंड इसके जो फ्रेम्स भी है ना इज वेरी एक्सपेंसिव, अगेन डन बाय हैफले, हियर वी गो, या एंड अर्लियर इट वाज समथिंग एल्स, पूरा वुडन का अलमीरा था ये, इसको पूरा हमने चेंज किया है, पूरा चेंज किया है, ऊपर सीलिंग किया है, एंड दीज आर कॉल्ड ड्रम लाइट्स, ये ड्रम लाइट्स, सो ये ड्रम लाइट्स हैं सारी, अच्छी लगती है, मुझे प्यारी लगी है। और ये जो पूरा है ना ये हमने 2 इंच लेंटर से नीचे लेके पूरा वुडन में डाल दिया, और इसमें हमने कर दिया ग्रे पेंट, एंड ये हमारा बेबी हेलो, ये मेरी सबसे प्यारी लाइट है, अगर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आई लव दिस लाइट, आपको इसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगा मैं। The bathing area, it was something else, now this is something else. We are heading to balcony again, it's all tough and done by Art and Glass, Art and Glass ka jo showroom hai that is at Mani Majra, okay, humne dekhiye sab yahan pe hang karke rakha hua hai, that is our inverter jo properly pani se upar rakha hua hai, so kahin jana to hum plastic se isko wrap up kar sakte hain, isse cover kar diya taki pani ki baachhat pani boonda bandi andar na aaye, and upar sara ye मूविंग इन, चलिए अंदर। सो ये है जी फाइनल बेडरूम विच इज़ मास्टर बेडरूम, इसमें पीछे जो वॉल है दैट्स अ गोल्डन स्ट्रिप विद डार्क मार्बल लाइट्स, लेफ्ट हैंड साइड में है नैन्सी का ड्रेसर, और सीधा हम जा रहे हैं वॉकिंग वार्डरोब। तो ये था जी मेरा छोटा सा घर का टूर, हाउस टूर एट चंडीगढ़। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, कृपया कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड बताइएगा कि मेरा घर कैसा लग रहा है आपको, दिल से बनाइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।